YouTube channel Super Commerce. Today we are going to learn meaning of accounting and its stages. What is accounting? Accounting is a language of business. With the help of this language, business organization communicate its financial information to its owner. It means accounting ek language hai business ki जो यूज़ होती है बिजनेस की सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इसके यूज़र्स तक पहुंचाने के लिए. ऑब्वियसली अगर जब कभी भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज का यूज़ ही इसीलिए होता है ताकि हम अपनी बात दूसरों को पहुंचा सकें. अब क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की लैंग्वेज है तो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होंगी उसको इसके यूज़र्स तक पहुँचाने के लिए ही अकाउंटिंग का यूज़ होता है. इसको हम एक फ्लोट चार्ट की मदद से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. यहाँ पर यानी लैंग्वेज है, इट इज़ अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. स्पेशल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस मतलब ये हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, ये इन सब लैंग्वेज की तरह नहीं है. इट मीन इट इज़ अ स्पेशल लैंग्वेज विच इज़ ओनली यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. यानी ये लैंग्वेज सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है. अगर यहाँ जब अगर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो आगे आप देखोगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अब चीज़ों को बताने के लिए एक अलग अलग वर्ड्स दिए हुए थे. फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस में कोई कहता है मशीनरी डेबिट का मतलब है कि मशीनरी परचेज की. सिमिलरली जर्नल एंट्री का कोई कहता है तो हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं. कब कोई कुछ कहता है लेजर पोस्टिंग का कोई कुछ कहता है तो इट मीन्स अकाउंट बनाना. तो ये अलग अलग वर्ड्स यहाँ से हमें समझ में आता है कि अकाउंटिंग स्पेशल लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, नहीं बिजनेस की स्पेशल लैंग्वेज है. अब ये लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन को पहुँचाएगी. अब इंफॉर्मेशन पहुँचाने का काम करेगी, पर इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन? क्योंकि बिजनेस की लैंग्वेज है तो बिजनेस की ही इंफॉर्मेशन, बट ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सारी इंफॉर्मेशन नहीं, बिजनेस की सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल मीन्स जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मनी से रिलेटेड होती है उसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं. यानी अकाउंटिंग एक स्पेशल लैंग्वेज है जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती है इसके यूजर्स में. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वैसी इन्फॉर्मेशन जो मनी से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल कोई अगर हम कभी भी बात करते हैं नेट प्रॉफिट, नेट लॉस की, एसेट मतलब फर्नीचर कितना है, कितना कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, कितने उसकी देनदार है, कितने लेनदार है, कैपिटल, ओनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, लायबिलिटी बैंक से कितना लोन लिया है एटसेट्रा, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है. और ये किसको पहुंचानी होती है? इसके यूज़र्स को. मतलब ये इन्फॉर्मेशन किसके काम आएगी, कौन इस इन्फॉर्मेशन को देखता है? तो इसमें बहुत सारे आते हैं. कुछ हैं गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन यूज़ करती है. ओनर, ऑब्वियसली ओनर तो सारा करता धरता ही होता है, वो उस पर पैसा लगाता है, मेहनत करता है, तो वो तो सारी डिटेल ही जानना चाहेगा बिजनेस की. तो बिजनेस की डिटेल जानने के लिए वो डिपेंड होता है अकाउंटिंग पर. बैंक लोन देता है बिजनेस को, तो लोन देने के लिए उसे यह पता होना चाहिए ना कि जिस बिजनेस को हम बैंक लोन दे रहा है क्या वो कैपेबल होगा लोन रिपे करने के लिए. नहीं, अब कैपेबिलिटी कैसे पता चलेगी? उसकी अर्निंग पावर से. और अर्निंग पावर कैसे चलेगी कि उसके अलग अलग ईयर में उसका प्रॉफिट कितना रहा है, या अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो लॉस कितना रहा है और क्यों रहा है एटसेट्रा. तो ये इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से मिलेगी? अकाउंटिंग से. मैनेजर्स को डिसीजन लेने होते हैं, और डिसीजन किसके बेसिस पे लिया जाता है? डिसीजन लेने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. मैनेजर्स को मैनेज करना होता है बिजनेस ऑपरेशंस को, यानी बिजनेस के डे टू डे वर्क को. अब उस वर्क को मैनेज करने के लिए डिसीजन लेने पड़ेंगे. डिसीजन लेने के लिए मैनेजर्स के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. वो इन्फॉर्मेशन कौन सी होनी चाहिए? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और दूसरी इन्फॉर्मेशन उसे दूसरे सोर्सेज से मिलती है. और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसे मैनेजर को कहाँ से मिलेगी? अकाउंटिंग से. एम्प्लॉइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं और बदले में सैलरी लेते हैं, और इसके साथ साथ वो बोनस भी लेते हैं. अब बोनस किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रॉफिट पर. तो अब एम्प्लॉय को कैसे पता चलेगा कि किसी बिजनेस का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है? ऑब्वियसली थ्रू अकाउंटिंग. यानी ये इन्फॉर्मेशन भी इस एम्प्लॉय को कहाँ से मिल रही है? थ्रू अकाउंटिंग.
तो यहाँ से मैं पता चला कि क्या है कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है बट इट इज़ अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशल लैंग्वेज है जो यूज़ होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट या पहुँचाने के लिए इसके यूज़र्स को। यूज़र्स की कैटेगरी में ऑनर, गवर्नमेंट, ये सब आते हैं, और डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब अकाउंटिंग हमने पढ़ा कि लैंग्वेज है जो यूज़ होती है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। इट मीन्स कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए चाहिए कि नेट प्रॉफिट, कैपिटल, ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, ये भी अकाउंटिंग से पता चलेगी। तो इस पर्सपेक्टिव में जो अनदर अनदर लैंग्वेज यानी दूसरे वर्डों में लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज कहलाती है प्रोसेस। यानी एक फर्स्ट जो सबसे सिंपल वे में हमने समझा कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, एंड इन अनदर वर्ड्स अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। यानी साइमल्टेनियसली अकाउंटिंग एक लैंग्वेज भी है और अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस भी है। अब अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस है, तो प्रोसेस, वेन एवर वी टॉक अबाउट प्रोसेस, तो यहाँ प्रोसेस का क्या मतलब है? प्रोसेस का मतलब है अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। यानी प्रोसेस वह प्रक्रिया है, वह क्रिया है जिसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वह स्टेप्स इंटररिलेटेड होते हैं और उनको स्किप नहीं किया सकते। यानी अगर हमें दूसरे स्टेप पर जाना है तो पहला स्टेप हमें करना पड़ेगा, तीसरे स्टेप पर जाने के लिए हमें पहले दो स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो यहाँ अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस यानी प्रोसेस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। और क्या क्या इसके स्टेप्स हैं? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करती है इंफॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग उसको इन टर्म्स ऑफ मनी यानी मनी के रूप में मेजर करना, रिकॉर्डिंग फिर उसको लिखना बुक्स में, क्लासीफाइंग उसको इंफॉर्मेशन को, सिमिलर नेचर की इंफॉर्मेशन को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग, समराइजिंग उससे फाइनल इंफॉर्मेशन निकालना, नेट प्रॉफिट, कैपिटल, लाइबिलिटी इन सब के रूप में, एनालाइजिंग उन सब इंफॉर्मेशन को जो भी लास्ट स्टेप से निकली है उनको एनालाइज करना कि क्या रीज़न रहा, किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर प्रॉफिट रहा तो उसका क्या रीज़न रहा, सेल अगर बढ़ गई तो किस वजह से बढ़ी, एटसेट्रा। इंटरप्रेटिंग उस रीज़न को अपने वर्डों में बताना, इट इज़ कॉल्ड इंटरप्रेटिंग, एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इवेंट्स और इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। और जो भी इंफॉर्मेशन इन सभी स्टेप से मिली यानी इस प्रोसेस से मिली, वो लास्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन को इसके यूजर्स तक पहुंचाना यानी कम्युनिकेट करना। इसको फ्लो चार्ट की वजह से हम और इजीली समझ सकते हैं। तो यार जैसे मैं पहले बता चुका है कि अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस, अगर प्रोसेस की जब भी बात की जाए तो प्रोसेस, जब भी कभी भी अगर प्रोसेस की बात हो जाती है तो प्रोसेस सीरीज होती है स्टेप की, और वो स्टेप्स इंटरलेटेड होते हैं और उन्हें स्किप नहीं किया सकता। इस मीन्स एक स्टेप पर जाने के लिए हमें इससे पहले वाले स्टेप्स को कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग पहचानना। क्या पहचानना? हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लैंग्वेज है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करती है, तो ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करना, इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, लेकिन किस तरह की इंफॉर्मेशन को? ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। बिजनेस से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस में सिर्फ उन्हीं ही इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है जो फाइनेंशियल नेचर की होती है। इट मींस जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी यानी मनी में हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करती है। ये दो एग्जांपल लेंगे। अगर किसी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की, प्रॉफिट वो प्रॉफिट कितना अर्न कर सकती है, उसकी कैपेसिटी कितना है, वो दो चीज़ों पर निर्भर करेगी कि क्या उसका कॉस्ट कितनी रही, कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट कम होगा, और दूसरा है इसकी सेल्स कितनी रही, सेल्स ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और अगर सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट उसका कम होगा। थर्ड है क्रिटेरिया है नंबर ऑफ ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वो अच्छे से काम करेंगे, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, तो उसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ऑनेस्ट एम्प्लॉय नहीं है, डिसऑनेस्ट है, तो काम बिजनेस में अच्छा नहीं होगा और इसका असर उसकी अर्निंग कैपेसिटी मीन्स प्रॉफिट पर भी पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट कम रहेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑनेस्ट एम्प्लॉयज एंड सेल्स एंड कॉस्ट, तीनों
तीन इन्फॉर्मेशन है और तीनों में से हमें यह देखना है कि कौन सी फाइनेंशियल नेचर की है कौन सी नहीं। तो नंबर ऑफ ऑनेस्ट एम्प्लॉई ये फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑनेस्टी को हम मनी के रूप में हम इसको नहीं पढ़ सकते कि 5,000 रुपये की ऑनेस्टी या 2,000 रुपये की, नहीं। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट तो है और ये बिजनेस से ही रिलेटेड है, लेकिन ये फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, इसीलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाकी दो इन्फॉर्मेशन यानी कॉस्ट कितनी रही प्रोडक्शन की और सेल्स कितनी रही, ये दोनों ही फाइनेंशियल नेचर की है, क्योंकि हम इसको इन टर्म्स ऑफ मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स सेल्स रही 1,00,000 की सेल्स रही, 2,00,000 की सेल्स रही एटसेट्रा, या कॉस्ट 5,00,000 कॉस्ट आई, 2,00,000 कॉस्ट आई, ये सब। तो ये इन्फॉर्मेशन यानी कॉस्ट और सेल्स ये फाइनेंशियल नेचर की है। तो फर्स्ट स्टेप में हम सभी इन्फॉर्मेशन में सिर्फ उन इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की है। नाउ सेकेंड स्टेप इज मेजरिंग। मेजरिंग में हम फाइनेंशियल इवेंट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए थे फर्स्ट स्टेप में, उसको हम उनकी मनी वैल्यू असाइन करते हैं। एग्जाम्पल, हमने फर्स्ट स्टेप में कुछ फाइनेंशियल इवेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, जैसे मशीनरी परचेस्ड की, फर्नीचर परचेस्ड किया, रॉ मटेरियल परचेस्ड किया, सेल्स की, सैलरी पेड की, एट्सेट्रा। मेजरिंग में हम वैल्यू मनी वैल्यू असाइन करेंगे कि मशीन परचेस की तो कितने की परचेस्ड की, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़। अगर फर्नीचर परचेस किया तो कितने का किया, फॉर एग्जाम्पल 1,00,000। सैलरी पेड की तो कितने की, फॉर एग्जाम्पल 5,000। नाउ थर्ड स्टेप इज रिकॉर्डिंग। आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द फाइनेंशियल इवेंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इन थर्ड स्टेप वी रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन। थर्ड स्टेप में हम जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स होती है, ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स होती हैं, वो बुक्स तरह तरह की होती है, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक एट्सेट्रा। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि थर्ड स्टेप में रिकॉर्डिंग, यहाँ हम अकाउंटिंग में, अब हम अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, अब लैंग्वेज है तो डिफरेंट इसके पर्टिकुलर वर्ड होंगे, तो अगर जब भी हम रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग को रिकॉर्डिंग ना बोलकर जर्नल एंट्री बोला जाएगा, यानी रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल एंट्री। तो व्हाट इज जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री मीन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन डेट वाइज इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जर्नल एंट्री, व्हाट इज जर्नल एंट्री, यानी जर्नल एंट्री में हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस को डेट वाइज बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ स्टेप इज क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मीन्स आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करेंगे डेट वाइज, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, बहुत सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई। अब उन सारी ट्रांजेक्शन्स को, उन सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अब ग्रुप में डिवाइड करने का क्राइटेरिया क्या होगा कि सिमिलर नेचर की जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको एक ग्रुप में, फिर दूसरा क्राइटेरिया जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन होगी उसको दूसरे ग्रुप में, और यहाँ पर जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम नाम देते हैं अकाउंट्स। और ये जो प्रोसेस हम पूरा जो प्रोसेस कर रहे हैं ये प्रोसेस है लेजर पोस्टिंग। तो क्लासीफाइंग, अब अकाउंटिंग में क्लासीफाइंग को क्लासीफाइंग ना बोलकर लेजर पोस्टिंग यानी एक अलग नाम दे दिया गया, लेजर पोस्टिंग। और लेजर पोस्टिंग प्रोसेस के बाद क्या बनता है? लेजर पोस्टिंग के बाद बनता है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में यानी अकाउंट्स इट मीन्स दे आर ग्रुप्स, और इन अकाउंट में ग्रुप्स होते हैं, उनमें सिमिलर नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी इन अकाउंट्स में होती हैं। अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट में ऑनर जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन किस में होंगी? कैपिटल अकाउंट में। यानी कैपिटल अकाउंट में हमें ऑनर्स के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर हम बात करें बैंक अकाउंट की, तो बैंक अकाउंट में हम बैंक में कितना पैसा जमा किया, कितना उसमें से निकाला, पूरे साल की या पूरे महीने की पीरियड, एक पीरियड वाइज हम सारी की सारी ट्रांजेक्शंस एक ही साथ बैंक अकाउंट से देख सकते हैं, उसका टोटल देख सकते हैं कितना बैलेंस है बैंक में और कितना नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जनरल एंट्री के थ्रू नहीं मिलेगी। अगर हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें बैंक अकाउंट ही देखना पड़ेगा। और अगर हमें सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें सैलरी अकाउंट देखना पड़ेगा। तो व्हाट इज, तो क्लासीफाइंग में लेजर पोस्टिंग के थ्रू वी क्रिएट अकाउंट्स, यानी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को ग्रुप बनाना, ग्रुप मतलब अकाउंट बनाना। फोर्थ स्टेप इज समराइजिंग। समराइजिंग में अभी तक जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स को
रिकॉर्ड किया और उसको क्लासीफाई किया, उसके बाद समराइजिंग में उसका हम क्रक्स निकालते हैं, इट मीन्स फाइनल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अब फाइनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फाइनल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वी क्रिएट फाइनल अकाउंट और वी मेक फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों मिलकर बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, यानी कि जब कभी फैक्ट्री सेल्स पैसे, फैक्ट्री के खर्चे घटाकर जो भी हमारे पास नेट अमाउंट बचता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहेंगे। और अगर इस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस में से ऑफिस के खर्चे भी घटा दिए जाते हैं तो वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बनता है, जो किस में से निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की तो बात कर ली, लेकिन ओनर की टोटल इन्वेस्टमेंट क्या रही या कितना उसने बिजनेस से निकाला या उसकी देनदारियाँ मीन्स लाइबिलिटीज कितनी है या उसको कितना पैसा दूसरों से लेना है यानी उसके डेटर्स या रिसीवेबल कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलेगी, बैलेंस शीट से, यानी उसकी वर्थ, बिजनेस की वर्थ वैल्यू की ये सारी इन्फॉर्मेशन किससे मिलेगी, बैलेंस शीट से। तो जितनी भी पूरे साल तक जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई उनका फाइनल इन्फॉर्मेशन, अगर हम बात करें एक वर्ड में, दो वर्ड में जो इन्फॉर्मेशन हमें किससे, किस प्रोसेस के थ्रू मिलती है, वो हमें मिलती है समराइजिंग के थ्रू, यानी स्टेप नंबर फाइव से हमें इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड या कैपिटल एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें समराइजिंग के थ्रू मिलती है। और इसमें फाइनल अकाउंट बनते हैं विच आर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नाउ सिक्स्थ स्टेप इज एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में हमने जो भी इन्फॉर्मेशन यानी निकाली फाइनल अकाउंट से, जो भी इन्फॉर्मेशन निकली है उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब डिटेल में उसमें देखते हैं कि पर्टिकुलर ईयर प्रॉफिट रहा तो वह क्यों रहा, क्या उसके रीज़न रहे, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या उसके रीज़न रहे, सेल्स अगर कम या ज़्यादा हुई है तो उसके रीज़न फाइंड आउट करना कि ऐसा क्यों हुआ है। तो वट इज़ एनालाइजिंग, एनालाइजिंग मीन्स कंपेरिजन थ्रू रेशो। यह कंपैरिजन करने के लिए कई सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जैसे रेशो जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, कैश फ्लो, फंड फ्लो एट्सेट्रा, जो अभी 11th का कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, यह 12th के सिलेबस में है, जो 12th के सिलेबस में हम बाद में पढ़ेंगे। बट क्योंकि अभी एनालाइजिंग हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि एनालाइजिंग में क्या होता है। एनालाइजिंग में जो भी फाइनल अकाउंट तक यानी जो भी इन्फॉर्मेशन निकली है उनको एनालाइज करना, इट मीन एनालाइज मतलब कंपेरिजन करना। अब रीज़न तो निकालेंगे, रीज़न निकालने के लिए क्या करता है, कंपेरिजन किया जाता है ना कि इस साल में या पिछले साल में या अलग अलग फर्मों के बीच में कंपैरिजन करना और निकालना कि अगर एक फर्म ए का प्रॉफिट ज़्यादा है 20,000 हमारे बिजनेस से तो ऐसा क्यों रहा। तो ये किसके कैसे निकलेगा, ये कंपैरिजन के थ्रू पता चलेगा। कंपैरिजन के लिए कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होती है जिसमें से रेशो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब कॉमन है जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ सेवंथ स्टेप इज एंटरप्रेटिंग। एंटरप्रेटिंग सिर्फ कुछ नहीं है, अभी तक जो भी हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है एनालाइजिंग में, जो भी रीज़न में फाइंड आउट कर रहे हैं, उसे हम किस तरह से यूज़र्स को बताएं अपने वर्डों में, कभी एक अपनी बात को दूसरे को कहने का जो तरीका होता है वो किस में आता है, एंटरप्रेटिंग में। मतलब इसमें बताना, कहना अपनी बात को, और ये एक आर्ट है, इट इज़ एन आर्ट, यानी रीजंस को अपने वर्डों में बताना ही क्या कहलाता है, एंटरप्रेटिंग कहलाता है। नाउ फाइनल इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब एंटरप्रेटिंग, जो भी एंटरप्रेटिंग तक यानी आइडेंटिफाइंग से लेके एंटरप्रेटिंग तक जो भी इंफॉर्मेशन हमने निकाली है उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट के थ्रू उस सारी इंफॉर्मेशन को उसके यूजर्स तक पहुँचाना, ये सब किस कैटेगरी में आता है, कम्युनिकेटिंग, यानी दिस कम्स अंडर द एट स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। डेफिनेशन अगर हम बात की जाए तो दो डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली डेफिनेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA 1941। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस AICPA अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी अकाउंटिंग एक कला है,
रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाइंग करने की, क्लासिफाइंग मीन्स ग्रुप में क्लासिफाई करना, एंड समराइजिंग और फाइनल इंफॉर्मेशन निकालना इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, यानी एक सही तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर, यानी उन ट्रांजेक्शंस और इवेंट की इंफॉर्मेशन निकालना इन टर्म्स ऑफ मनी में, और वो ट्रांजेक्शंस कैसे होने चाहिए, ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर, फाइनेंशियल करेक्टर के वो ट्रांजेक्शन होने चाहिए, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ, उसके बाद जो भी रिजल्ट निकला है उसको इंटरप्रेट करना, यानी अपने वर्डों में बताना। सिमिलरली ये लैंग्वेज ये सिर्फ इसके वर्ड्स अलग है, लेकिन ये कहता वही है जो अभी तक हमने पीछे सीखा, यानी रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, यानी एक एक पर्टिकुलर मैनर होना चाहिए। और किसके थ्रू होता है, GAAP यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पर ये सारे काम किए जाते हैं, और ये सिर्फ उन्हीं इवेंट्स का और ट्रांजेक्शंस को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। सेकेंड डेफिनेशन इज द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA 1966। ये क्या कहती है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, यानी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, उनको मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी में, उनको कम्युनिकेट करना किसको, उसके ऑनर्स को, सो दैट टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को जो यूजर्स हैं उनकी इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन को परमिट करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।